नमस्कार दोस्तों, थूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ इमली के 3 जबरदस्त उपाय, और इन उपायों को करने से आपको 3 तरह के फायदे होंगे, और वो क्या क्या फायदे होंगे और इसका उपयोग कैसे करेंगे वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इमली का स्वाद हम सभी को बहुत पसंद है क्योंकि ये खट्टा मीठा होता है, और अगर स्वास्थ्य के तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे विटामिन्स इमली में पाए जाते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि इसे सिर्फ खाने में ही प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके उपाय करने से धन में बरकत, बच्चे के पढ़ाई में मन लगता है, और साथ में आपके घर से नजर दोष को हटाने में ये बहुत ज्यादा मदद भी करता है। तो वो पहला उपाय क्या है वो सबसे पहले जान लेते हैं। आप लोगों को अगर धन में वृद्धि चाहिए, धन में बरकत चाहिए, घर में धन टिकता नहीं है, तो फिर आप इमली की एक डाल लेकर आए, ठीक है। और उस डाल को लाने के बाद आपको कम से कम 11 बार महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। वो महालक्ष्मी मंत्र आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी मंत्र ही होना चाहिए। 11 मंत्र करने के बाद, यानी 11 बार आपको इस महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। 11 बार महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के बाद आपको एक पीले कपड़े में या फिर लाल कपड़े में, याद रखिए दो चीजें मैं बोल रही हूँ, या तो लाल कपड़ा या तो येलो कपड़ा, इसमें इस डाल को आप लपेट दीजिए और इसे अपने धन स्थान पर रख दीजिए। इमली के पेड़ की टहनी ये घर में रखना भी शुभ माना जाता है, इससे आपके घर में बरकत होती है और धन धान्य से परिपूर्णता बढ़ती है। तो ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय बच्चे की बुद्धि तेज करने की। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगी बच्चे की बुद्धि तेज करने की, और साथ में पढ़ाई से अगर उसे डर लगता है या फिर कोई एक सब्जेक्ट है जो उसे बहुत डराता है तो उसके लिए ये उपाय जरूर कर सकते हैं। करने के लिए किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, यानी किसी भी थर्सडे के दिन, आपको इमली के पत्ते लाने हैं, और उसे जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उस सब्जेक्ट की बुक में आपको इमली के पत्ते डाल देने हैं। इससे क्या होगा, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। अगर किसी भी कारण से वो उसे डर लगता है उस सब्जेक्ट से, तो वो धीरे धीरे वो डर दूर होगा और उसमें पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। दोस्तों तीसरा जो उपाय है वो है बुरी नजर को हटाने के लिए। किसी किसी इंसान को जब बुरी नजर लग जाती है तो उसके बिहेवियर में, उसके कामकाज में इसका असर पड़ता है, उसके मिजाज में इसका असर पड़ता है, और उसके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। तो आप लोगों को जो करना है कि 3 छोटी छोटी डालियां लेकर आए इमली के पत्ते के या इमली के पेड़ के, ठीक है, 3 छोटी छोटी डालियां। इसके बाद उन डालियों को आप जलाइए। जलाने के बाद जिस इंसान पर बुरी नजर लगी है उस पर 7 बार वार दें, यानी 7 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमाने के बाद आपको वो जलती हुई लकड़ियों को पानी में डुबो देना है। आपके पास एक पानी रेडी होना चाहिए जहां पर आप उन लकड़ियों को बुझाएंगे। अब वो जो बुझाया है आपने उस लकड़ी को, वो लकड़ी आप कहीं भी फेंक सकते हैं, लेकिन जो पानी में जहां आपने उस लकड़ी को बुझाया है वहां पर उस पानी से आप उस व्यक्ति के ऊपर उस पानी का छिड़काव कीजिए। ऐसा करने से भी नजर दोष दूर होती है, और साथ में बुरी नजर अगर उस पर लगी है या फिर बुरी किसी एनर्जी की उस पर हावी हो रखी है, वो परेशान रहता है, तो ये उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि वो इंसान खुद को हल्का पा रहे हैं। ये उपाय करने के लिए आपको शनिवार या फिर मंगलवार का दिन का चुनाव करना चाहिए। तो ये जो खट्टी मीठी चीज है ये बड़ी कमाल की होती है, तो इससे बच्चे की पढ़ने की एकाग्रता, धन वृद्धि और साथ में नजर दोष से मुक्ति मिलती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।